हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो सुबह की क्लास में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और आज की क्लास में अपना एक नया प्रश्न जो है वो आपके सामने आ गया है कि राजमहल का युद्ध जो है वो कब हुआ था। राजमहल का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1747, ऑप्शन नंबर बी में 1748, ऑप्शन नंबर सी में 1763 है, ऑप्शन नंबर डी में है 1787। इनमें से आपको ये बताना है कि जो युद्ध हुआ था राजमहल का, ये कब हुआ था, इसका एग्जिट सन जो है वो आपको बताना है। ऐसे प्रश्न जो अपने राजमहल हो गया, जैसे बगरू हो गया, अपने इसके अलावा तुंगा का युद्ध हो गया, ऐसे युद्धों से प्रश्न जो है वो ज्यादातर एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, पहला अपना सबसे पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया है 1747, ऑप्शन नंबर बी में 1748, ऑप्शन नंबर सी में 1763, डी में 1787। ऑप्शन नंबर ए में 1747 में साथियों राजमहल या टोंक का युद्ध हुआ था। राजमहल या टोंक का युद्ध हुआ था। राजमहल या टोंक का युद्ध हुआ था 1747 में। राजमहल या टोंक का युद्ध हुआ था। और राजमहल या टोंक का युद्ध 1747 ईस्वी के अंदर होता है। और जो राजमहल या टोंक का युद्ध हुआ था 1747 ईस्वी के अंदर, इसमें एक तरफ तो थे आपके ईश्वरी सिंह और एक तरफ थे माधो सिंह। एक तरफ ईश्वरी सिंह थे और एक तरफ माधो सिंह थे। इन दोनों भाइयों में ये युद्ध होता है क्योंकि जब सवाई जयसिंह राजा थे, इन दोनों के पिता का नाम जयसिंह ही था, और सवाई जयसिंह राजा थे तो उनके समय में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था देवारी समझौता, जिसके तहत शर्त रखी थी कि माधो सिंह आगे का राजा बनेगा, लेकिन फिर राजा ईश्वरी सिंह को बना दिया जाता है, जिसके कारण दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। और माधो सिंह ईश्वरी सिंह को कहते हैं कि भैया आप ऐसे करो, राजा आप बन जाओ, लेकिन आप ना मेरे को आधा भाग दे दो जयपुर का। माधो मांगे आधो, ईश्वर देवा ना पाओ। ईश्वरी सिंह जो था, इसने माधो सिंह को कुछ भी देने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। माधो सिंह ने कुछ शर्तें रखी थी कि भाई आप नैनवा समिति कारवार के प्रगने जो है वो कोटा के दुर्जन साल और प्रताप सिंह को दे दो, मराठों को युद्ध हरजाना देना पड़ेगा, साथ में हुमेद सिंह को बूंदी का राजा स्वीकार करे। एक इनमें शर्त रखी गई थी कि भाई आप टोंक निवाई मालपुरा का प्रगना मुझे दे तो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन नहीं माने थे तो फिर ये युद्ध हुआ था। और 1747 में जो युद्ध हुआ था, इसके अंदर ईश्वरी सिंह की साथियों विजय होती है। ईश्वरी सिंह की इस युद्ध के अंदर विजय हुई थी और ईश्वरी सिंह ने इस्तरलाट का निर्माण करवाया था। इस्तरलाट का निर्माण करवाया था। इस्तरलाट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? ईश्वरी सिंह के द्वारा इस्तरलाट का निर्माण करवाया गया है। 1748 के अंदर साथियों बगरू का युद्ध होता है। 1748 में कौन सा युद्ध होता है? बगरू का युद्ध होता है 1748 के अंदर। और 1748 में जो बगरू का युद्ध हुआ था, इस बगरू का युद्ध भी आपके एक तरफ तो इसमें ईश्वरी सिंह ही थे, बगरू के युद्ध में भी एक तरफ ईश्वरी सिंह थे और दूसरी तरफ कौन थे? तो साथियों दूसरी तरफ माधो सिंह थे। एक तरफ ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ माधो सिंह थे। इस जो बगरू का युद्ध हुआ था, इस बगरू के 1748 के युद्ध में माधो सिंह का साथ मराठों के द्वारा दिया गया था और मराठों ने माधो सिंह का साथ दिया था। ईश्वरी सिंह की इस युद्ध में हार हो जाती है और मराठों ने फिर बाद में ईश्वरी सिंह के ऊपर अत्यधिक दबाव बनाया था, जिसके कारण ईश्वरी सिंह इस्तरलाट से कूद कर आत्महत्या कर लेता, सुसाइड कर लेता। 1763 के अंदर एक तो युद्ध हुआ था जिसका नाम था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था मराठों और अहमद शाह अब्दाली में होता है, ये 1763 को हुआ था। इसके अलावा 1763 में एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम था बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा का युद्ध भी 1763 में होता है। बटवाड़ा का युद्ध तो हुआ था जिसमें एक तरफ तो आपके बटवाड़ा के युद्ध में राजा हो जाएंगे माधो सिंह और दूसरी तरफ जो थे वो कोटा के शत्रुशाल हाड़ा थे। वास्तव में तो शत्रुशाल नहीं गए थे, शत्रुशाल का सेनापति गया था जिसका नाम था जाला जालिम सिंह, और ये बटवाड़ा का युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1763 में होता है जिसमें एक तरफ तो मराठे थे और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली था। इनमें कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1787 के अंदर कौन सा युद्ध होता है? 1787 में साथियों तुंगा का युद्ध होता है। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। इसमें एक तरफ तो कौन हो जाएंगे? इसमें प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, जिनके समय की गंधर्व बाई सी प्रसिद्ध है,
और इसमें दूसरी तरफ कौन से हो जाएंगे, एक तरफ प्रताप सिंह है और दूसरी तरफ महादजी सिंधिया हो जाएंगे। महादजी सिंधिया हो जाएंगे, एक तरफ प्रताप सिंह हो जाएंगे, दूसरी तरफ महादजी सिंधिया हो जाएंगे। तुंगा के युद्ध में एक तरफ प्रताप सिंह, दूसरी तरफ कौन हो जाएंगे, महादजी सिंधिया हो जाएंगे। और इस युद्ध के अंदर जो है वो प्रताप सिंह की विजय हुई थी। तो ये तुंगा का युद्ध हुआ था साथियों आपका 1787 में। तो राजमहल या टोंक का युद्ध जो है इसका सही उत्तर 1747 ईस्वी आ जाएगा। प्रत्येक क्लास में लास्ट में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है उस कड़ी में आज आप ये बताना पाटन का युद्ध कब हुआ था और किस किसके मध्य हुआ था, पाटन का युद्ध कब और किस किसके मध्य होता है इसका आपको कमेंट में उत्तर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।